दैट्स व्हाई दे दिया है। यस सर, इसीलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू डियर है। नो सर, नो डैड। जो नए बच्चे हैं उनको वो जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो उनको बी देखिएगा, और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नीड संकोच पूछना, संकोच मत करना। डू नॉट हेजिटेट, यू कैन आस्क। चलो अब जो पहले से आ रहे हैं बच्चों से हम पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा से सुना बच्चों, विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस से रिलेटेड? अरे यार मनीष, हमें याद रहा है तुमने प्रैक्टिस कर ली सर। वो अनग्रेडी वाला का 9 करवा दी थी, तीन ही लेटर थे लेकिन प्रोसेस से बराबर। अभी नहीं, तुरंत नहीं, अभी ये सब कर ली है ना सर। गलती हो तो होने देना, क्योंकि इस क्लास में गलती तो इन लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, थोड़ा टाइम लगाएंगे। फिर से हम विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू विच चैप्टर? इसमें सही बोला, ये 100%। कैसे बी प्रेजेंट ही? चलो हम उसी को एंजॉय करते हैं, पर तीन बार में जाएगा नहीं। मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो किन किन रूपों में? इसने देख लिया है ना? अच्छे से देखता है, अच्छा हो गया। ऐश्वर्य तुम्हें तो थोड़ा सा नया लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, और इन दो इस बच्चे तुम्हें भी थोड़ा ये अजीब लग रहा है, इसके लिए तुम्हारा नाम नहीं जुड़ पाया। जुड़ गया तो वीडियो तुम लोग भी तो सुनो, रिक्वेस्ट का फॉरवर्ड कर दो, कर दो तो अभी ही करने लगे हाथ। देखो उसका असर देखने को मिला, साइंस से देखा और परसों से क्या रिचार्ज करो। चलो इसको इंग्लिश में पूछ लेते हैं। When B comes in present, what are the forms? When B comes in हाँ बेटा, कोई बात नहीं, वो तुम हम बार बार पूछेंगे तो वो आ जाएगा तुमसे। चलो अभी एक चीज पूछ लेते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? हाँ ये वाला तरीका एक बार हम बोलवा देते हैं नए बच्चों। I is the subject in this sentence. What is the helping verb? There is no helping. ये आंसर देना है आप। बोलना there is no helping verb. भारत में अभी भी ईमानदारी है सर आपके साथ? वो
एक गाने सुना था कि सारे से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान चला चुकी मांग ले। तो एक बार हम फिर से पूछते तुम लोग बोलते तुम्हें बेटा थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि तुम लोग एस एम और आर को 27 साल से केवल हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में सीखते आ रहे हो जानते आ रहे हो लेकिन वो वीडियो देखना उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर क्लास में पूछना हम क्लास के दौरान ही बताएंगे तो सबको फिर पता चल जाएगा और जिसको नहीं आया तो समझ में उसको डिविजन हो जाएगा। तो देयर इज नो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है व्हाट इज द मेन वर्ब हियर मेन वर्ब इज द मेन वर्ब। अब हमने हियर क्यों बोला अब तुम समझ गए होगे बेटा यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है एम एम यहाँ पे मेन वर्ब और एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नाम का टेंस है बच्चों इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया वो सहायता करती है क्योंकि इस वाक्य में मेन वर्ब कौन सी है वो ये मेन वर्ब इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है वो सहायक क्रिया ये सहायक क्रिया है और वो मुख्य क्रिया लेकिन इसमें कोई मुख्य क्रिया और है ही नहीं देख लो दोस्तों आना जाना खाना पीना ये सब नहीं आएगी बी चैप्टर में जब जब बी चैप्टर का सेंटेंस बनेगा उसमें आप ये नॉर्मल वर्ब जो पीछे लिखे है ना बेटा 20 पे वो नहीं रख सकते आप उसमें उसकी जगह नहीं है कम से कम तीन क्रम तक तो नहीं रख सकते सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दूसरे नंबर पर रहेगी मेन वर्ब और अब हम जो पूछ रहे हैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है बेटा बच्चे तुम्हारे लिए भी नया है सबके लिए व्हाट इज वेरी हमने इसकी एक बार तारीफ की इसलिए नहीं कि उसने सहयोग कर दी इसलिए कि उसने कोशिश की तुक्का मारा और तुक्का बन गया तीर तो वो एक हमें हरिवंश राय बच्चन की कविता याद आ गई जो अमिताभ बच्चन स्टेज पे कई बार सुना कोशिश करने वालों और डरते व्हाट इज ग्रेटफुल हाँ एन लगाना तो पिछली बार हमने एक व्हाट इज टू अरे यार तुम लोग के चक्कर में व्हाट इज टू प्रकृति व्हाट इज यू कोई तुक्का लगा लो उसके जैसा तीर बन जाए ये सबसे अच्छी बात है
मजाक नहीं कर रहे बेटा, हम बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान से सुनना अगर समझ में आए तो। उसका उत्तर जो है पूर्ण मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उससे जो आपको हंसी आई उससे आपका खून थोड़ा सा बढ़ गया और स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में टीचर उसको डांट देता है, अबे तुम बिल्कुल गधे हो। तो उससे क्या होता है, वो जो बच्चा है पर्टिकुलर, वो कुंठा में एकदम होता है, उसका कॉन्फिडेंस। अब उसने कोशिश किया, कोशिश भी की थी, लेकिन उससे हंसी आई सबको। गुड, और एक आध प्रयास कर लो, नहीं हम लिख देते। ये भी एक छोटी बारीक सी चीज समझ लो बेटा, ये व्हाट इज टू प्रपोजिशन की स्पेलिंग बताओ बेटा। बच्चों प्रिय यानी क्या होता है, प्रपोजिशन यानी, सुन लेना बेटा, प्रपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका स्थान ऑब्जेक्ट से। तुम्हें से किसी को पता है प्रपोजिशन कितने होते हैं, जो सही बता देगा उसको 7.25 करोड़ मिलेंगे। हम बताएं कितने होते हैं? नहीं गलत है, नहीं चलो हम बता ही देते, काहे को परेशान। सही जवाब बताएं? यस सर, हमारे सवाल साथ हमारे पास। तो सही जवाब ये है कि प्रपोजिशन कितने होते हैं पता नहीं, बहुत सारे होते हैं प्रपोजिशन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वहां जितने जो लिखे हैं मैडम बहुत कम है, बहुत ही सारे होते हैं। तो नंबर डाले हैं तो उसमें देखते हो, लेकिन ऊपर वाले में नंबर नहीं। बेटा ये जिस भैया ने हमें गिफ्ट किया है, उन्होंने व्हाट्सएप से दो इमेजेस ली और फ्लैक्स वाले के यहाँ जाके बोला कि इसका फ्लैक्स चढ़ा दे। तो वो दो अलग अलग इमेजेस हैं व्हाट्सएप पे हमारे सीनियर बैच में, तो मैं मैडम को बोल देना जब भी याद रहे, जैसे आज हम लोग जल्दी आ गए कि बाहर बैठे थे मैडम से चर्चा हो रही थी, तो मैडम से बोलना मैडम हम लोग को भी सीनियर बैच में जोड़, जिसको जोड़ना हो। एक बैच है जिसका नाम है 67, वो 27 तुम जानते हो, उसमें सीनियर स्टूडेंट है, 10 साल पुराने 20 साल पुराने स्टूडेंट उसमें मौजूद है, वो ऐसी चीजें शेयर करते रहते हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें बहुत शेयर करते हैं, उसमें इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा होता है। और बाकी जब व्हाट्सएप में चलता है वो तो कचरा तो भरा ही गया इंग्लिश, बस विजिबिलिटी को नो कर देना, जानते हो, तो फिर तुम्हारी गैलरी में नहीं जाएगा। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है नो विजिबिलिटी, तो जो कुछ कचरा आएगा वो तुम्हारी गैलरी में नहीं भरेगा, तुम्हारा फोन हैंग नहीं। बच्चों कैन एनी बड़ी गैस द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस? इंटरेक्टिव सेंटेंस का मतलब नए बच्चों के लिए बोल रहे हैं, इंटरेक्टिव सेंटेंस इन्हें बोलचाल का वर्क, वार्तालाप का वर्क जो हमारे रोज की जिंदगी में काम में आता है,
ऐसा वाक्य है जैसा से कहलाता है और आज से तुम इसका यूज कर सकते हो, किसी को भी कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ वस्तु दे या तुम्हारी मदद कर दे इसको बस अच्छा लगेगा उसको। अब इस इंट्रेक्टिव सेंटेंस किस तरह से अप्लाई होता है तो पहले नए प्रोसेस से देखना है आपको। ये अभी लो पहले नाम है जो कि फुल टर्म के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपको बहुत बहुत आभार। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभार। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभार। वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभार। फीमेल जो है वो संभाल के बोले जस्ट बदल के बोले अकॉर्डिंगली आपका टाइम चल रही है आपका 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 नहीं आप यस बोलो बोलो बेटा बोल पे ले इंग्लिश इंग्लिश पहले इंग्लिश। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, हमें इसको हटा दो। क्योंकि उसने एक शब्द को बिल्कुल हरी यस सर
नहीं बोलूं। अभी पहले अपन सुधरवा देते हैं। कौन सुधरवाएगा मान लो जिसको जुबान पे है या जहन में है। हाँ एक एक लेटर बुलवा सुनो बड़े भाई कितने हनी बोलो भाई इज नॉट नॉट फॉर फॉर एस इज नॉट नॉट अंदर क्या जाने अदरक मंदर क्या जाने अदरक तीन दूसरे डिवोर्स इज ऑलवेज राइट राजा हमेशा सही होता है। barking dogs seldom bite जो दरस्ते हैं वो बदरस्ते हैं। ये दूसरा का उच्चारण हुआ इसी के लिए कर्म मंत्र seldom बोल रही अब सुन लो आज हम उदाहरण दे रहे हैं इस साथी जब इस साथ हो जाए बेटा या साथी जब इस साथ तो कितना भयंकर हास्य से होता है। सुन लो 2000 जब लगा था उस समय की घटना जब हमारे साथ घटी सभी लोग बड़े खुश थे और हैप्पी न्यू ईयर के साथ हैप्पी न्यू मिलेनियम भी बोले। हमने भी अपने दोस्त से बोला कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू मिलेनियम हमारे दोस्त ने हमसे हमें जवाब दिया सेम टू यू सेम टू यू। अब जो लोग हंसे उनको समझ में आ गए जो लोग नहीं हंसे सबको मालूम होना चाहिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं मोहल्ले में दो तीन महिलाएं खड़ी बजा रही हैं अचानक मिसेस शर्मा का 2.5 साल का 3 साल का बच्चा अंदर से दौड़ते हुए आता है तो सब बोलती है अरे उठा बेटा चड्डी पहन जा सेम 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 ऐसे नहीं होती ना चड्डी पहन जा मम्मी कहा है तुम्हारी बात मान ली। अब ये कॉमन शब्द है सबको मालूम होना चाहिए सेम सेम बच्चों को बोलते हैं जब वो तो हमने बस खेलते रहते हैं तो हमने इतने प्यार से बोला उससे कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब ने बोला सेम टू इस बार चल रहे तो हमें शर्म आना चाहिए हमें बहुत शर्म आ रही है इसके बाद हमने फिर ये हमें जैसे जो गरजते हैं वो गरजते हैं अभ्यास के देवी का सहारा नहीं Don't teach your grandmother how to suck eggs. Sorry.
कभी कभी तो बोलती है यार, कभी कभी बोलती है, अरे बहुत सीखे जलेबी। आपके सुबह शायद मनीष ने शुरू किया। You should be ashamed of yourself. तुमने जरूर Everything is great. सब कुछ बढ़िया है। सुबह तक नहीं है, तुम्हारे कारण ही है। आपके इंजन का सही है क्या? कब आगे अब तो रहेगा। पूरा फर्स्ट टाइम और सूरज से आप भला सो जल्द हो गया स्कैन दो दो क्यों हो गए जरूरी नहीं था तो कुछ चीजें सुनने में आ गई तुम लोग। अब अगली बार जब वो यूज होंगे तो बहुत पावर होती चली जाएगी। तुमने देखा भैया के पास कोई रजिस्टर नहीं है लेकिन फटाक से बोल कहीं ना कहीं देख रहे हैं। बहुत बढ़िया आदित्य योगी ना।
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम इसका मतलब है हिंदी को मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टीचर मैं टीचर की बहुत बहुत आभारी हूँ I'm very grateful to my father. मैं अपने पिता की बहुत बहुत आभारी हूँ. बेटे तुमने नहीं बताया. I am grateful to family. मैं family का बहुत बहुत आभारी हूँ. Practical sentence number दो तरह से कोई गलती का नहीं लगता. आप सभी का अब अगर तुम ये बोल रहे कि सर यू तो वहां लिखा हुआ है तो आपने उसको प्राउड किया तो हमने मतलब दोनों चीज यहाँ पे भी कुछ नया तुम्हारे जहन में आ जाए तो यहाँ पे भी नया रखते हैं देखो ऑब्जेक्ट क्या है लिखना हो जाता है बेटा तो ऑब्जेक्ट हो जाता है We all are very grateful to her. हम सभी उसके बहुत बहुत आभारी हैं. बेटा आई थिंक नीचे देखो क्रॉस लगा है तो कुछ नहीं है थोड़ी देर हो गया लास्ट हां मनी इज वेरी ग्रेटफुल टू मामा मनी मम्मी का आभार बहुत बहुत आभार तुम ऐसा दो बार कर चुकी हो मैंने नोटिस किया दोस्तों अगर आप इस तरह से करेंगे मतलब एक ही पर्टिकुलर नाम रखते रहेंगे क्रिएटिविटी आपकी डेवलप नहीं है और फिर आप दोष देंगे तो अच्छा है यू आर वेरी ग्रेटफुल आर यू प्लीज स्पीक अप उसको चैनल पीपल are very grateful to V.K. Sinha. No, V.K. Sinha is very much a value. Who is V.K. Sinha? President of I know it. Are very grateful to Yash. Sorry. He. He are. सुना बेटे तेरे से दिल रही है यार. He are my friend. He is very grateful to Yash. Wow. Sorry. Sorry. Am I in the UP?
भाई के साथ तू भी सेम जुगम नहीं हुआ है। वहां तो विराम हो गया। चलिया एंड समीर आर वेरी ग्रेटफुल टू क्लास टीचर। या समीर क्लास टीचर के बहुत बहुत आभारी है। इंडियन सिटीजंस आर वेरी ग्रेटफुल टू आर ऑनरेबल चीफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की जनता अपने प्राइम मिनिस्टर की बहुत बहुत आभारी है। हाँ जी सही है। मैं बताऊँ सर देखो हम उसको बोलेंगे क्या जवाब देते हैं। ये आपको बोलना पड़ेगा अभी कई बार होता है। हम हिंदी कर देते तुम्हारे के साथ जा को यहाँ बैठ मॉडल जगाने के लिए। दिव्या इज वेरी ग्रेटफुल टू हर फादर। अपने पापा की बहुत बहुत आभारी है। She is very grateful to you. Sorry, sorry. बात कर रहा हूँ। You के नीचे भी cross कर दे कुछ नया रखने के लिए। दोस्तों इस चीज से तुम अपना पास याद कर लो कि जब तुम कर रहे हो ना। सब तो गलत दिया इसलिए। इस चीज से तुलना करने का अवसर मिलेगा तुम लोग कि तुम लोग भी कितने संकीर्ण थे कितने बिल्कुल स्पष्ट से बोल रहे हैं। रिया अपनी उम्र की बहुत बहुत आभारी। स्टूडेंट्स आर वेरी ग्रेटफुल टू देयर टीचर। स्टूडेंट्स अपने टीचर की बहुत आभारी। स्टूडेंट्स आर वेरी ग्रेटफुल टू देयर टीचर। EHIR वाला दिया था ना। नहीं समझा।
grateful to me. What? Doraemon very grateful to Doraemon के बाद एक चीज है Doraemon is very grateful to Nobita. Doraemon Nobita का बहुत आभारी है. एक बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, is anybody best? No one is best. Now I am giving you today's idiom. अब मैं आपको आज का मुहावरा देगा. मुहावरे लोकोक्ति भी कहते हैं, कहावत भी कहते हैं, और इंग्लिश में idiom, proverb और phrase. तीन शब्द और ये एकदम अनुवाद से बिल्कुल परे होते हैं. ध्यान से देखो, उसमें नौ लगा. लेकिन एक अच्छी बात जो जिस पर हमने ताली बजाई कि इसको एक मुहावरा तो मालूम था हिंदी. इससे पता चलता है कि आप हिंदी के मुहावरे में कितने परिपक्व हैं. लेकिन एक्चुअली बैली का होता टहलने जाना सुबह से बैली बहुत बड़ा. या हम उसको अपनी चालू भाषा में एक और हिंदी लिख देते हैं, तो अगर हम अनुवाद करें बेटा, द बैली हैज नो पेट के पान नहीं. अब ये हो गया उसका भाव. तो सोचो बच्चों जरा, ऐसा कौन सा हिंदी मुहावरा दिस इज रियल इंग्लिश. बच्चों तुम्हें ऐसी इंग्लिश सीखना है. तुम लोग को अच्छे से अनुवाद जो सिखाया गया था उसके कारण आज तक इंग्लिश नहीं बोलते हैं. सीधा सीधा अनुवाद बंद होता है और ऐसी चीजें कोई बोल देता है तो अपने कान से धुआं निकलने लगता है और अपने को लगता है गजब की इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हें कुछ इंग्लिश नहीं आती, ब्ला ब्ला ब्ला. अब हम यहाँ पे हिंट की शुरुआत करते हैं. पहला लेटर लिख देते हैं. भैंस का भी है.
बोले वजन ना होए
Have you written this? Yes, sir. Should I read? Yes, sir. दोस्तों अब आप जो पुराने लोग भी हैं जो शुरू से आ रहे हैं उनके लिए एक नई चीज आ रही है। हम इसमें मनीष की मदद लेने जा रहे हैं। एक दिन पहले नहीं बनेगा उससे कोई बता वो आज नहीं है और नए बच्चों को बताते हूँ। पिछले दिनों हमने अभी तक इनको केवल एक ही वाक्य दिया है, कोई सेंटेंस लिखवाया ही नहीं, केवल एक सेंटेंस हमने इनको लिखवाया और उसको किस प्रोसेस से बनाते हैं आगे चक्कर अभी नहीं। केवल एक ये सेंटेंस हमने दिया था और उन्होंने खट से उसको एक सेकंड में बना दिया, लेकिन उसको एक सेकंड में नहीं बनाना, उसको एक प्रॉपर प्रोसेस है स्टार्ट में वैसे बनाना है। तो वो प्रोसेस कैसे आपको हम मनीष की मदद ले रहे हैं, वो शाम के बैच में आ रहा है और उसमें दो बैच ज्वाइन किए हैं और दो बैच की वो फीस भी डबल दे रहा है। तो क्योंकि उसके पास समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी उसको इंग्लिश इम्प्रूव करके अपने लेक्चर की ओर पढ़ना है, इसलिए ऐसा सुविधा। तो अभी उसकी एक ही प्रैक्टिस हुई है शाम के बैच में, ज्यादा नहीं हुई है। देखते हैं वो इस सेंटेंस को प्रोसेस से पूरा बना लेता है अथवा नहीं, ठीक है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सुनना पूरा ध्यान से बोलो, तुम्हारे लिए भी नहीं है, जितने पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस नहीं। Who has to make this sentence? I have made this sentence. हम आगे से ऐसा सवाल करेंगे और एक एक क्रम चलेगा सब। जैसे तुम लोग का एक एक क्रम होता है ना, यहाँ एक एक बच्चा आता, तो हम एक एक क्रम से सबको बराबर मौका मिलेगा, सबको एक एक सेंटेंस पूरा बनाना होगा इस प्रोसेस से, जैसा भी मनीष जी बता रहे हैं। प्लीज गो अहेड। The sentence is related to can chapter. सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम बताना पड़ेगा जो कि वो गलत बता रहे, थोड़ा हेजिटेट थे तो अभी सही कर लेंगे। कोई सही कर दो This sentence is related to be chapter, be present. ये ऐसी लाइन आपको बोलना होगी, फिर दूसरी लाइन क्या है सुनिए। करीब 9 से 10 लाइनें बाहर आएंगी, बट इस सेंटेंस सही ना बन पाए। It is an affirmative sentence. दूसरे नंबर पे आपको वाक्य का प्रकार बताना, वाक्य छह प्रकार के हैं आपके सामने। अफर्मेटिव, इन्वर्टिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच। वाक्य छह प्रकार के बनते हैं। ये चीजें सुन के बच्चों तुम लोग बोझ बिल्कुल मत लेना, ये सब एकदम इजी कर देंगे हम। तो इन्होंने बताया कि ये एक सकारात्मक वाक्य है, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। सर्वप्रथम मैं सब्जेक्ट लूंगा। आप मन में बोल सकते हो, जाहिर भी बोल सकते ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। एंड द सब्जेक्ट इज आई। बच्चों मुझे ऐसा नाइन जैसा आई बनाने की हैबिट है, तो कंफ्यूज मत हो, ऐसा बनाना चाहिए। लेटर ऑन आई विल टेक द मेन वर्ब, तत्पश्चात मैं मुख्य क्रिया लूंगा। एंड द मेन वर्ब इज
और मुख्य क्रिया है रेडी। इससे पता चल रहा है तुम्हारा पार्टिसिपेशन। एम हाँ सॉरी देन आई टेक मेन वर्ब एंड द मेन वर्ब इज एम लेटर ऑन आई लेटर ऑन गलत हो गया बेटा यहाँ लास्ट ये कंजंक्शन एट ना अच्छा तुम भूल गए चलो हम बता दे लास्टली गुड थैंक यू जो लोग भी सारी बोल रहे हैं वो पूरी ध्यान से सुन रहे हैं तो भी तन्मयता से सुन लिपस्टिक सुन के तुम लोग को थोड़ा आश्चर्य हुआ बच्चा को हमने ऐसे मजाक के आराम देती है इस सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाता है कोई और बोलना चाहे ऑब्जेक्ट लास्टली आई विल टेक द ऑब्जेक्ट जिससे बोल और एक बार बोल दो लास्टली लास्टली बोलो लास्टली हम ये दोनों हर बार लिखते हैं बच्चों ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि बी चैप्टर में तीसरा या तो एडजेक्टिव हो या नाउन हो पूरा कर दो कोई भी कर दो यहाँ पे आता और जब शब्द लिख देंगे उसके बाद हम इसमें से कोई एक चीज मिटा देंगे तो यहाँ से नाउन मिटा दे रहे क्योंकि लेडी जो है एक विशेषण है आप इस बार नहीं विशेषण सीखेंगे अब इसको एक बार ऐसे मैं तैयार हूँ आई एम रेडी हम बहुत करेंगे I am ready. इसको कहते हैं लकीर का फिक्र बोलो बात है ना इससे वो चीज नहीं आएगी जिसकी अपेक्षा करके आप इसका वो कैसे आएगी हम आगे देखते हैं लेकिन ऐसा क्यों करवाए कि इस दौरान जिसको लिखना है उसको लिखो टाइम मिल गो इतनी देर में आपको लिख दो टाइम मिल गो अब हम करते हैं इसमें क्रिएटिव बड़ी क्रिएटिविटी पर आते हैं सब्जेक्ट में नहीं अभी एडजेक्टिव चेंज नहीं करते नए बच्चे हैं सब्जेक्ट पर चेंज करो आप चाहे तो यस में कर दीजिए चाहे हु इज रेडी आई एम रेडी
क्वेश्चन पूछना सर। मैं आंसर नहीं दे रहा, जब आंसर आ गया। Who is ready? Sir is ready. कौन तैयार है? Sir तैयार है. Who is ready? They are ready. कौन तैयार है? They तैयार है. देख के साथ आग लग रही है उसके. Who is ready? भाई मैं तो बस बोला ही नहीं. कम आगे. Who is ready? Priya is ready. कौन तैयार है? तुम्हारी इस बार फिर हम एक छोटा सा निवेदन करते हैं, जिससे तुम आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करने के लिए या कल इसमें किया आप सब ने ध्यान दिया होगा जब हमने इसको इसके गलत प्रदर्शन पे उसको बोला, उसके बाद से ये सुनना हो गई थी आखिरी के 15 में बच्चों तुम लोग ये बात इस चीज पर ध्यान दें कि कहते ना चलो जबलपुर की भाषा में हम बोलते तो मेरे हाथी चलता है कि कुत्ते तो क्या हाथी उससे प्रभावित हो नहीं अगर अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप तो अपने पैर पे तो ऐसा नहीं होना है Bride is ready. Marriage के वहाँ क्या लगना था? हर आवर या अपनी marriage के लिए वो word समझ लिया लेकिन बेटा तुम्हारा पूरा sentence इसमें नहीं जा रहा, तुम्हारा पूरा sentence जा रहा present continuous। सही बोल रही थी तो bride is ready वो अरे तैयार नहीं लेकिन ये तो बोलना चाह रही क्योंकि रेडी तो वर्ग है आप सामने देखते हैं। अच्छा कैसे पहचान होगी कि एडजेक्टिव आप उसमें आईएनजी लगा के देखो I'm ready.
कंप्लीट द राउंड अरे टाइम ना तो मुझे हेल्प करने का पहले राउंड पूरा करो लाइक जो लाइक is bitter first part of that looking like a tough story thank you guys hello very sachi sachi rain mo bachi who is that who is that who is rest who is rest who is rest aunty ne kya laga rest na jaye the question chal raha hai aapko bade answer Who's ready? They both are ready. After I'm sorry, I'm not ready. Why did you not see? Complete the process. Who are they? They are not ready. Sorry, cool boy. मैं सात साल को छोड़ दिया. अब हमने इस हमने शुरू में रखते थे कि ये सीधा है और इसलिए हम ये तो लेकिन ये तो समझ में आया कि करते हो और तो ये इससे बाहर आ जाए वो जो तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर है सम्मान करते हास्य व्यंग होना चाहिए लेकिन वो इतना ना हो कि तुम अपने मूल चीज से तो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे तो अपने ही जो स्वभाव है उसमें थोड़ा सा सर विश्लेषण कभी सब